बॉलीवुड एक्टर व डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब एक नया मोड़ ला दिया है। दरअसल सतीश की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उसी बीच दिल्ली पुलिस उस फार्म हाउस पर भी जा पहुंची जहां मौत के एक दिन पहले सतीश होली की पार्टी कर रहे थे। पुलिस को जांच के दौरान फार्म हाउस से कई संदिग्ध दवाएं बरामद हुई हैं, जिसको लेकर पुलिस फार्म हाउस के मालिक से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही फार्म हाउस का मालिक फरार हो गया। दवा मिलने के बाद अब पुलिस को शक है कि सतीश की मौत खुद हुई या उनकी हत्या की गई, जिसको लेकर भी दिल्ली पुलिस अब तमाम एंगलों से जांच कर रही है। गौरतलब है कि 9 मार्च की रात सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में एकाएक निधन हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया और फिर शुक्रवार को मुंबई के वसूरवा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल सतीश की मौत के मामले में नया मोड़ आने के बाद अब दिल्ली पुलिस पार्टी में शामिल हुए गेस्ट की भी लिस्ट जांचने में जुट गई है। इसके साथ ही फार्म हाउस के मालिक की भी खोजबीन जारी है, जिसे पूछताछ के बाद ही मामले में बहुत कुछ खुलासा हो सकता है।